अस्सलाम वालेकुम, मैं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस में सिमिशा। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस हमारा चैप्टर सरगोधा यूनिवर्सिटी में। सरगोधा यूनिवर्सिटी का ये पहला पेपर है जो कंपलसरी पेपर है, इंट्रोडक्शन टू आईआर। ये सेम पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, पेपर फोर है इंट्रोडक्शन टू आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, सेम पेपर है। जस्ट उन्होंने पार्ट वन से उठा के पार्ट टू में इसको ट्रांसफर कर दिया। ये ओल्ड सिलेबस का सारा ओल्ड सिलेबस है ये इनका, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई है, कोई इसमें टॉपिक्स की चेंजिंग नहीं आई, किसी भी चीज़ की चेंजिंग नहीं। अच्छा, एक बात याद रखना, जो अभी हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल होंगे, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते, क्योंकि वो चीज़ें कभी भी चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज के 1947 में जो वाकया हुआ है वो अब चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, जो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात हैं। आवाज़ नहीं आ रही। मिनट, अच्छा मैं ऑनलाइन कैसे हो सकती हूँ, मैं कह रही हूँ मैं ऑनलाइन की तो अपना लिंक ढूंढ के भेज दूँ। आवाज अब आई है, आवाज आ गई है, आ रही आवाज, जल्दी से बता दो, 2 मिनट जाया कर दिए फजूल में। आवाज आ रही है, जल्दी से लिखो, आवाज आ रही है, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कौन सी की चलती है, मैं एड्स देख रही हूँ, मैं वीडियो अपनी देख रही हूँ, मुझे अपने आप को देखना बिल्कुल पसंद नहीं, अपनी आवाज सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, और आपकी वजह से मुझे ना अपना चैनल ऑन करना पड़ता है। हेलो, आ रही आवाज, चले जी बंद करते हैं इसको और वाइंड अप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखो, जो मैं आजादी की जो चीज़ें हिस्ट्री में हो चुकी होती है ना, वो कभी तब्दील नहीं होती। हिस्ट्री की चीज़ें ऐसी होती हैं कि 1947 में जो वाकया हुआ है वो अब दोबारा नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में जो कि चेंज नहीं होते, एज इट उठा के हमें जुबानी याद करने पड़ते हैं या रट्टा लगाना पड़ता है, या ऐसे हैं जो कि जैसे मर्जी हो जाए उसमें सिलेबस चेंज हो जाए तब भी वो वही आएंगे सवाल, ठीक है, जो पिछले थे हिस्ट्री के। तो अब आप देखें कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस का है उसको सारा का सारा सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस का है, हालांकि इन्होंने उठा के पार्ट वन से पार्ट टू में डाल दिया है, बस इसका ये हुआ, इसके अलावा इसमें और कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। अच्छा, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात हम पढ़ने लगे। अब बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात होता क्या है, एक ताल्लुक होता है मेरा और आपका है, हमारा ऑनलाइन ताल्लुक है, ठीक है। एक ताल्लुक होता है हमारे घर का होता है, रिश्तों का होता है, आपस का। एक होता है मुल्की होता है, जो हम आपस में पंजाब में बैठ के सिंध में कोई रिश्ता कर लेते हैं, ताल्लुक कायम कर लेते हैं, रिश्ते के लिए आ सकता है क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया है। अगर मैं कोई कारोबार करती हूँ पंजाब में और मैं जाके सिंध में किसी ताजिर के साथ एग्रीमेंट कर लेती हूँ कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट आपको भिजवाऊंगी, कराची भिजवाऊंगी, आपने क्या करना है, इसका इतना प्रॉफिट और इतना लॉस अगर होता है तो स्टेज पर इसको डिडक्शन होगी और इतना परसेंटेज हम कुछ मुआहिदा कर लेते हैं सिंध में जा कारोबार से रिलेटेड या वट एवर किसी भी चीज से रिलेटेड। तो क्या होगा कि वो जो हमारा मुआहिदा हो रहा है पंजाब का सिंध के साथ, वो मुल्क ही होगा, यानी कि मुल्क के अंदर होगा, लेकिन ये है बैन अल-अक़वामी। बैन अल-अक़वामी है मुल्क से बाहर दूसरे मुमालिक के साथ, मुल्क से बाहर दूसरे मुमालिक के साथ तिजारत करना, कोई मुआहिदा करना किसी भी हवाले से। जरूरी नहीं है कि तिजारत के लिहाज से हो, यहाँ पे दफाई लिहाज से हो सकते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं,
इसमें सियासी लिहाज से हो सकते हैं मुआहदे, इसमें मुआशी लिहाज से होते हैं, इसमें कुछ सकाफती लिहाज से होते हैं कि स्टूडेंट्स वहाँ से इधर आते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, जैसे चाइना से तबादला होता है, यूरोप कंट्रीज में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, फिर यूरोप कोस्ट जाते हैं, तो ये लेन देन होता रहता है, स्टूडेंट्स का लेन देन भी होता रहता है, वो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वहाँ जाते हैं, स्काफत का हमारा कल्चर का चेंजिंग होती है कि यहाँ से लोग वहाँ जाकर प्ले करते हैं और वहाँ के लोग इधर आते हैं। तो खैर इन शॉर्ट ये कि जो बैन अल-अक़वामी होता है, जो मुल्कों से बाहर होते हैं जो भी, वो सारे हमारे बैन अल-अक़वामी में आते हैं। और ताल्लुकात का आपको पता है रिलेशन है, एक कोई ताल्लुक कायम किया जाए, कोई मुआहिदा किया जाए, कोई बातचीत की जाए किसी भी टॉपिक पर, व्हाटएवर कुछ भी, तो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात। अच्छा इसमें ना हमारा जो टॉपिक आया है वो इंट्रोडक्शन टू IR आया है, ठीक है, बेसिक आया है सारा, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस हमने पहला पेपर पढ़ा है। अच्छा मजे की मैं बात बता दूं, जो पॉलिटिकल साइंस है वो मेन है, जैसे कि हमने बायोफिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी मैट्रिक में, ठीक है, अब मैट्रिक में हमने बायोफिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी तो वो मेन थी सारी, बायो में मेन है, फिजिक्स में मेन थी, केमिस्ट्री में मेन है, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में हम जाते हैं या थर्ड ईयर में हम जाते हैं तो बायो के बाद हमें उसमें ब्रांचेस नज़र आ जाती है, माइक्रो बायोलॉजी आ जाता है या वट एवर कुछ भी आ जाता है। तो बाद में जब हम फील्ड में जाते हैं मेडिकल फील्ड में, तो हमारे आगे और उसमें फील्ड निकल आती हैं। और कैसे फील्ड नज़र आ जाते हैं, कुछ होता है वो जनरल डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ आंखों का बनना चाहता है, कुछ दिल का बनना चाहता है, कुछ गुर्दों का बनना चाहते हैं डॉक्टर्स, तो मतलब इस तरह बड़ा मुख्तलिफ किस्म की क्या नाम ये बायोलॉजी में बड़ी शाखें निकल आती हैं मेडिकल लाइन में। इसी तरह अगर प्लांट में चला जाए, नबातात में चले जाए, जिसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहेंगे, प्लांट में कुछ जड़ी बूटियों में चले जाते हैं, कुछ पौधों में चले जाते हैं, कुछ काश्तकारी में चले जाते हैं, इस तरह बड़ी इसकी फील्ड नजर आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि जो मेन ब्रांच होती है उसकी शाखें होती हैं, सब शाखें होती हैं, मुख्तलिफ उसकी ब्रांचेज होती हैं। तो इसी तरह पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट है, और ये जो IR है इंटरनेशनल रिलेशन है, अगर मास्टर आप अकेले भी करती हैं तब भी, और ये मास्टर्स ये IR जो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ये इसकी सब ब्रांच है, पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है, ठीक है, ये एक अलग मास्टर्स लेवल में भी पढ़ाया जाता है IR, मास्टर्स इन IR। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस हम पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसकी सब ब्रांच है, लेकिन इसमें भी मास्टर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड डायनेमिक्स ब्रांच नहीं है ये, सिर्फ इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें हम मास्टर्स ना कर सके, ठीक है। अब पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड डायनामिक्स पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, वो इसका सब्जेक्ट है, इसमें ब्रांच नहीं है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स हमने पढ़ा, वो भी इसके सब्जेक्ट है, ब्रांच नहीं है, ठीक है। इसी तरह डेमोक्रेसी हमने पढ़ा पेपर नंबर 4 Part 1 का, वो भी इसका सब्जेक्ट है, ब्रांच नहीं है, ठीक है, इसमें मास्टर्स नहीं हो सकता। अब हम जैसे कि इसमें कर रहे हैं IR पढ़ रहे हैं, IR ये ब्रांच है। इसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट है, पाकिस्तान मूवमेंट इसका सब्जेक्ट है, ब्रांच नहीं है। इसी तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसमें भी मास्टर्स नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ ये सब्जेक्ट है, तो इसकी ये शाखे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं IR को, मैंने डिटेल के साथ थोड़ा सा बता दिया है क्योंकि आपको और हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू IR। इंट्रोडक्शन यानी कि बेस पढ़नी है हमने सारी, कोई ऊपर के लेवल की नहीं पढ़नी, सिर्फ बेस पढ़नी है, ग्राउंड लेवल पढ़ना, और बहुत आसान सा सवाल थे। अच्छा जो लिस्ट थी वो आपको नहीं मिली, अब मुझे याद नहीं है मैंने लिस्ट कहाँ रख दिया, मुझे उसी दिन याद कहा करो जिस दिन मैं काम कर रही होती हूँ टेबल पे, क्योंकि मेरा डेली भर की इतनी रूटीन होती है, और डेली मेरी ये जो इतना सा प्ले ग्राउंड है ना, ये मेरा प्ले ग्राउंड पहले कुछ और था, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये प्ले ग्राउंड, ये सारा देखे किस तरह बिखरा पड़ा, और इतने नजर नहीं आ रहा, ये नजर है, ये सारा प्ले ग्राउंड है मेरा, जिसमें से बुक्स और ओपन होके अब मैंने यहाँ पे भी प्ले ग्राउंड बना लिया है, ठीक है, ये प्ले ग्राउंड है मेरा, मतलब जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है
तो मैं उसको ओपन कर लेती हूँ बॉक्स को, और CSS की और PMS की आजकल मैंने चीज़ें निकाली हुई हैं बाहर। एक तरफ मेरे पास लॉ की चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक तरफ मास्टर्स की चीज़ें पड़ी हुई, इस तरफ सारी CSS और PMS इस वक्त ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैंने, दोबारा मैंने सेटिंग किया 14 अगस्त वाले दिन। तो ये जो चीज़ें होती है ना जो मैं डेली पढ़ा रही होती हूँ, मुझे नहीं मालूम अब मैंने कहाँ रख दिए होंगे, सॉरी उस वजह से। तो जो डेली का काम होता है आप मुझे वो डेली कहा करेंगे, जो भी सेंड करना है, जो चीज़ हम बना रहे हैं लिख रहे हैं वो उसके बाद वो मिस हो जाती है मेरे कमरे में आके, तो इस लिहाज से। और मॉर्निंग में मेरी क्लासेस अलग से चल रही है, वो एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। तो बेटा कहने की बात ये है कि IR से रिलेटेड जितने सवाल थे आपने पुरानी वीडियो देखनी है, उसमें से आप अपने लिखने हैं जाके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी किसी भी सब्जेक्ट की। अब किसी भी सब्जेक्ट को आपने लिखना है, पढ़ना है, शुरू करना है, तो उसकी तारीफें आपको आनी चाहिए। हम ये जो सब्जेक्ट है हम आपके दानियाल गाइड से नहीं करेंगे, हम करेंगे ये डॉगर गाइड से सारा का सारा, ठीक है। तो डॉगर गाइड में 269 पर ये पहला पेज है, इंट्रोडक्शन टू IR की डेफिनेशन। इसका बेस पढ़ना जरूरी है, इसकी अहमियत, इसके मकासद, इसकी नोयत, ये अलग सब्जेक्ट क्यों बना, अलग मजमून क्यों बना, पॉलिटिकल साइंस से ये अलग क्यों हुआ, इसकी अहमियत बताएं। ये सवाल एक हर हाल में आता है, ये IR अलग सब्जेक्ट की हैसियत क्यों रखता है, ये सवाल आता है, और इसकी तारीफें आती हैं। तो हम सबसे पहले इसकी तारीफें देखेंगे, और आज हम इसको अलग सब्जेक्ट की हैसियत से देखेंगे कि ये अलग सब्जेक्ट क्यों है, ठीक है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल रिलेशंस की इस्तेलाह, यानी कि ये जो लव्ज है इंटरनेशनल रिलेशन का, सबसे पहले जर्मी बेंथम ने 18वीं सदी में के आखिर में इस्तेमाल किया था, राइज किया था या इंट्रोड्यूस करवाया था, वट एवर कुछ भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल का लव्ज पहली मरतबा जर्मी बेंथम ने मुतारिफ करवाया था, ठीक है। अब इसकी कुछ तारीफें देख लेते हैं। सबसे पहले जो तारीफ आपने लाजमन याद करनी है वो नंबर 2 वाली याद करनी है, प्रोफेसर क्यूंसी राइट। ये एक इलम है, इसी में तमाम मवाद से मुतल्लिक होता है जो बैन अल-अक़वामी मसाइल के हल का मुअज्जिब बने, यानी कि जो बैन अल-अक़वामी मसाइल हैं उनको हल करने में जो मटेरियल काम आता है ये वो है IR। क्योंकि तारीख आलम सियासी जुग्राफिया खतों का मुआशी मुताला नफ्सियात और इंद्रानियात जैसे सभी इलम इसके अहाते में शामिल हैं, यानी कि IR में ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो इसमें सब ब्रांचेज हैं। ओहो, सिर्फ एक सेकंड, अच्छा जी। इसके बाद हम जो दूसरी लाजमन करेंगे मार्गन थ्यू के करेंगे, नंबर 3 पर लिखा हुआ है बैन अल-अक़वामी सियासत सिर्फ कुव्वत के हसूल की जंग है। नंबर 4 वाली हम स्किप करेंगे, अगर करनी है तो कर लें, आसान है। बैन अल-अक़वामी सियासत इस्तलाह के तौर पर रियासतों के दरमियान ताल्लुकात का नाम है, ठीक है। नंबर 5 वाली आप छोड़ दें, नंबर 6 वाली करेंगे। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात का ताल्लुक उन कुव्वतों से है जो कौमी रियासत की खारजा पॉलिसी को बदल देती हैं, जिन तरीकों से और जिन हदूद में उनके बेहतर इस्तेमाल पर अमल दरामद होता है। बैन अल-अक़वामी की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारी की सारी। अच्छा जी, अब है ठीक है, लास्ट हम करेंगे 7 नंबर की। अच्छा, 7 नंबर कहाँ गया, 7 नंबर। कौमी सरहदों के पास तश्कील पाने वाले तालुकात, ये मखसूस वक्त पर उन तालुकात के बारे में हासिल होने वाला इलम बैन अल-अक़वामी तालुकात है। अच्छा, आपके ना शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी में, और एक सवाल आता है हेनरी किसिंजर कौन है, ये नंबर 9 पर लिखा हुआ है हेनरी किसिंजर। आपने इसको गूगल करना है, हेनरी किसिंजर कौन था, जो अमेरिका का एक इन्वॉय था, जो कि खारजा पॉलिसी का जिसको कहते हैं सफीर था, वो पाकिस्तान आया था, उसने एक बहुत बड़ा छुप के आया था सबसे, यानी कि दुनिया को नहीं पता था, तो एक यहाँ पे मुआहिदा हुआ था छुप छुपा के, और बाद में उसको कुछ रिजल्ट्स नजर आए थे। ये हेनरी किसिंजर है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हेनरी किसिंजर कौन है।
अच्छा इसके डेफिनेशन आप लाजमन करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन इन द लिंकेज बिटवीन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिटिक्स, यानी कि घर की जो हमारी मुल्क की जो पॉलिटिक्स है और जो फॉरेन पॉलिटिक्स है बैनुल अक्वाम दूसरे मुल्कों के उनके दरमियान एक ताल्लुक है। तो जितने ज्यादा आई आर की डेफिनेशन करेंगे उतने आपके लिए आसानी होंगी, क्योंकि चार सवाल आएंगे, चारों सवाल में आपको आई आर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, कम अज कम आपको चार तो आनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपको आठ या बारह आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे 270 पर है, बैनुल अक्वामी तालुकात एक अलग मजमून है। ये अलग मजमून पॉलिटिकल साइंस से क्यों अलग हुआ, इसकी वजूहात लिखें, इसकी अहमियत बताएं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ यहाँ पर रीजंस लिखी हुई हैं। नंबर वन पर लिखा हुआ है बैरूनी हमले का खतरा, ठीक है, बैरूनी हमले का खतरा। जदीद दौर में ज़राए अबलाग और ज़राए आमदोरफ्त की तरक्की के बदौलत एक दूसरे पर एनएसआर की पॉलिसी में इजाफा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ये सारी आपने पढ़नी है, पढ़ लें, लेकिन एक लाइन अंडरलाइन जरूर करनी है, उसको हाईलाइट करना जरूर है। एक नंबर, दो, तीन, चार, फोर नंबर पे लिखी हुई है, यानी कि इसी पैराग्राफ की फोर लाइंस है। बैनुल अक्वामी तालुकात का बुनियादी मकसद दुनिया में अमन व अमान का क्याम और जंग से बचाव के तरीके तलाश करना है। इसको अंडरलाइन कर लें, इसको लाजमन इस पैराग्राफ में आपने लिखना है। बाकी आप लास्ट लाइन है, जंग के हर वक्त के खतरे ने बैनुल अक्वामी तालुकात को एक अलहदा मजमून की हैसियत से उभरने का पूरा मौका दिया, ठीक है। हम लिख रहे हैं कि अलग मजमून क्यों है। बाहमी मुआशी तालुका दौरे जदीद में ममालिक की मईशियत का उनका सियासी समाजी और माशरती निज़ाम का इस्तेकाम में अहम किरदार है। ज़राए अबलाग और दुनिया की ग्लोबलाइजेशन की तरक्की ने दुनिया के ममालिक की मईशियत में इनकलाब बरपा कर दिया है। रियासतें एक दूसरे के साथ तजारती मुआहिदात करती हैं, अपनी मईशियत में रोज तरक्की के लिए सरकारी और निजी तालुकात कायम किए जाते हैं। इस जरूरत की बुनियाद पर बैनुल अक़वामी तालुकात को एक अलग मजमून की हैसियत दी गई। नई ममलिकतों का क्याम, आलमी जंगों के बाद दुनिया में आजाद रियासतों की तादाद में इजाफा होता गया। रियासतों को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए एक दूसरे पर इनहिसार करना पड़ता है। इस तरह उन तालुकात में वसत आई। इनकी आउटलाइन नहीं बन सकती, एक इस सवाल का जवाब मैं एंड पे दूंगी, मुझे पढ़ लेने दो थोड़ा। अच्छा हो गया, आज़ाद होते हैं इतनी ज़्यादा रियासतों के वजूद और उनके निज़ामों को समझने के लिए एक अलग मजमून के तहत मुताला करने की ज़रूरत थी। बैनुल अक़वामियत का रुझान, दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी तंजीमों के क्याम की रवायत पड़ी, जिनमें ममालिक ने तहफ़ और अमन महसूस किया। ममालिक के एक दूसरे के साथ दिफाई और तजारती रवाबित ने एक उन्हें ज़्यादा तहफ़ का एहसास दिलाया। दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसी तंजीम के क्याम की ज़रूरत महसूस की गई जो दुनिया में अमन कायम कर सके। इस सिलसिले में अक़वामे मुत्तहिदा और किसी दूसरी तंजीमें माजरे वजूद में आई। अमेरिकी असरात, रूस का शराजा बिखरने के बाद, यानी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो गया था 1979 में, यूएसएसआर उसे कहते थे, बाद में ये रशिया बन गया, रूस बन गया, दुनिया यूनिपोलर में तब्दील हो गई। अच्छा दुनिया आई आर को समझने के लिए छोटी छोटी आपको टर्म्स समझा देती हूँ, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। दुनिया पहले वो थी बाइपोलर थी, बाइपोलर का मतलब होता है दो, बी आई आएगा आपके उसमें लिखा हुआ बाइपोलर, इंग्लिश में आएगा ये लफ्ज, बाइपोलर का मतलब होता है दो। उस वक्त जब पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से पहले की बात करें, फिर पाकिस्तान, ओ अल्लाह पाकिस्तान कहाँ आ रहा है, पाकिस्तान आजादी, तो ये जो हुआ है सर्द जंग, कोल्ड वार हुई थी, एक आगे हम पढ़ेंगे इसके कुछ वाक्यात। तो यानी के अफगानिस्तान पर हमला करने से पहले रूस दुनिया में दो बड़ी ताकतें थी, एक रूस था और एक अमेरिका था। अमेरिका में जो निज़ाम था वो था सरमायादाराना कैपिटलिज्म, और जो रशिया में था वो इश्तराकियत था।
अब ये दोनों जो मुल्क चाहते थे कि जितनी पूरी दुनिया में आधे मतलब मुमालिक में हमारा निजाम चले, हमारी तक के हमारी जैसी सियासत हो, हमारे जैसे लोगों का मजहब हो, तो वो क्या करते थे? वीडियो ठीक नहीं है, बंद कर दूं, वीडियो ठीक नहीं आ रही, तो फिर बाद दूसरी ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, तो दो थी, रशिया और अमेरिका। रशिया से एक गलती हो गई, अब रशिया का सुन ले क्योंकि ये बार बार चीज आएगी। रशिया से एक गलती हो गई, रशिया है ठंडा मुल्क। ठंडा मुल्क यह है कि उसके पास गर्म पानी नहीं है, उसके पास समंदर नहीं है, उसके पास दरिया नहीं है, उसके पास जो भी दरिया समंदर है वो बर्फ से ढके रहते हैं, यानी कि वो फ्रीज रहते हैं, वो वहां पे गर्म पानी नहीं है, उसको तिजारत करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको जो तिजारत करता है वो जाने के लिए दूसरे मुमालिक तक, तो उसे तमाम रास्तों से गुजर के, तमाम मुल्कों से गुजर के, पाकिस्तान से गुजर के उसे ये समंदर हमारा कराची तक आना पड़ता है। उससे गलती ये हुई, उसने सोचा कि मैं अगर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता हूँ तो पाकिस्तान जो दरमियान में आ रहा है वहां तक मेरे लिए पहुंचना आसानी हो जाएगी, अफगानिस्तान दरमियान में आता है। तो रशिया ने क्या किया, एक रात चुपके से अपनी फौजें अफगानिस्तान में भेज दी। जाहिर बात है उसने कब्जा कर लिया, इन्वेड हो गया, ठीक है, लेकिन जो था अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान ने मदद मांग ली दूसरे ममालिक से। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपनी फौजें पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी, यानी कि किसी और मुल्कों के थ्रू नहीं भेजी, उसने पिशावर के रास्ते, ये मतलब पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेज दी। अब वहां पे अफगानिस्तान में दो मुल्क हो गए, एक वहां अमेरिका भी इकट्ठा हो गया, रशिया भी इकट्ठा हो गया। रशिया गलती कर चुका था वहां पे दाखिल होने का, अब वो पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि वो सुपर पावर था। उसने कहा कि अगर मैं सुपर पावर पीछे हट गया तो मैं अपना जो सुपर पावर होने का जो लकब है वो खो दूंगा, मैं अपनी ताकत खो दूंगा। वो क्या करता रहा, 10 साल तक या 8 साल 10 साल तक वो मुसलसल जंगे लड़ता रहा, आपस में ये लोग जंग लड़ते रहे। वहां तीन लोग हो गए, वहां अमेरिका हो गया, रशिया हो गया और अफगानिस्तान के लोग हो गए। ना तो अमेरिका उसको प्रोटेक्ट कर रहा था अफगानिस्तान के लोगों को, और ना ही अमेरिका रशिया से लड़ने में अफगानियों को मारता जा रहा था। तो आपस में ये तीन लोग आपस में लड़ रहे थे, तीनों लोगों ने आपस में लड़ाई की, जिसको हम मुजाहिदीन कहते हैं, वो तालिबान कहते हैं, जो भी व्हाटएवर लफ्ज यूज होता है, तालिबान का लफ्ज यूज होता है अफगानिस्तान में, वो जो थर्ड पार्टी है जो अफगानिस्तान के लोग हैं। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान से भी कुछ लोग यहाँ से जो पश्तो कौम थी वो अफगानिस्तान चली गई जहाद लड़ने के लिए। तो वहां पे एक नया और ग्रोह खड़ा हो गया, चार ग्रोह हो गए, चारों के आपस में लड़ाइयां होती रही, 10 साल गुजर गए। रशिया अपनी जंग को बरकरार रखने के लिए बेतहाशा पैसा लगा रहा था, रशिया ने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, इतने लोगों की जाने गई कि रशिया आखिरकार मजबूर होता जा रहा था, क्योंकि माशी हालात उसके कम होते जा रहे थे। माशी हालात कम होने की वजह से क्या हुआ कि अंदर टूट फूट हो गई, उस मुल्क के अंदर टूट फूट हो गई, वहां का इनकम प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, उसकी सोसाइटी में, उसके कारोबार के लोगों में बड़ा फर्क होने लग गया। जाहिर बात है जब आप बहुत ज्यादा खर्चा आप फौज पे लगाएंगे, असलाह खरीदने में लगाएंगे, जंग पे लगाएंगे, तो क्या होगा कि लोग आपस के लोग ही बगावत करेंगे। तो रशिया में भी ऐसा हुआ, रशिया के अंदर के जो मुल्क थे उसने बगावत करनी शुरू कर दी, और फिर ऐसा हुआ कि जो रशिया के अंदर के ममालिक थे वो अलग मुल्क बन गए, उन्होंने अपने आप को रशिया से अलग डिक्लेयर कर दिया, और कोई 12 मुल्क पीछे हट गए रशिया से कि हमने आपके साथ कंट्रीब्यूशन नहीं करना, हमें अलग अलग मुल्क डिक्लेयर किया जाए, जिसमें जिसके एंड में तान का लफ्ज आता है ना, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान एंड क्या नाम है, मुश्किल मुश्किल नाम है ये बान वाले लफ्ज, जो भी नून के साथ, ये जो रशिया के बिल्कुल साथ है, ये इनको अलग इस्लामी मुल्क करार दे दिया गया। और अब रशिया को मजबूरन, जाहिर बात थी मुल्क अलग हो रहे थे,
बजट खत्म हो रहा था, पैसा खत्म हो रहा था, तो मजबूरन रशिया को अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलवानी पड़ी और रशिया टुकड़े टुकड़े हो गया, यूएसएसआर टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर उसके बाद जो नाम उसने अपना रखा वो रूस रखा, रशिया रखा, इस वक्त जो रूस चल रहा है। खैर, ये थी कहानी अफगानिस्तान की और रशिया के टूटने की। लेकिन अब बात अफगानिस्तान की मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हो सकता कोई सवाल इस तरह से आ जाए, आईआर है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े। अब रशिया चला गया तो अफगानिस्तान में अब कौन लोग रह गए? तीन लोग रह गए, एक अमेरिका रह गया, एक तालिबान जो भी थे वो अफगानी रह गए, और एक जो वो मुजाहिदीन जो पूरे मुल्क से वहां गए हुए थे वो लोग रह गए। अब ये लोग आपस में ही हुकूमत हासिल करने के लिए लड़ाई करने लग गए। अमेरिका, जाहिर बात है रशिया जा चुका था, अब अमेरिका पीछे नहीं हट सकता था। अमेरिका जाता था कि चल मैं यहाँ पर आ गया हूँ, एशिया में, पूरा एशिया है हमारा, मैं एशिया में आ गया हूँ, अगर मैं अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर मैं बैठ जाता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मैं ये जो ये पूरा इलाके है जो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक, ये जो जितने भी तुर्की है, ये जितने भी मुल्क है रशिया के इर्द गिर्द, हमारे जितने भी मुल्क है उनके ऊपर मैं आराम से कब्जा कर लूंगा क्योंकि अफगानिस्तान सेंटर में है। पिछले 25-30 सालों से अफगानिस्तान के अंदर मुसलसल अमेरिका अकेला बैठा था और लड़ाई कर रहा था, उसकी फौजें, उसका जंगी हथियार, उसका सारा कुछ। हमारा पाकिस्तान का अगर 20% बजट में से फौज पे जाता है, यानी कि दिफा पे जाता है, हमारे मिलिट्री पे जाता है, तो अब जो अमेरिका है, अमेरिका का 70% बजट सिर्फ और सिर्फ फौज पे जाता है। 70 का मतलब 75%, उसका 25% मतलब मुल्क में जाता है। अब आप देखो कि उसकी आमदनी कितनी ज्यादा होगी कि 25% तो सिर्फ आमदनी वो अपने मुल्क पे खर्चा करने के बावजूद वो सुपर पावर है, और 75 का मतलब बिलियन, मिलियन, खरबों, ट्रिलियन, यानी कि बहुत ज्यादा उसका बजट है। तो यानी के उसके बाद क्या हुआ, अब रिसेंटली 2 साल पहले आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की फौजों ने निकलना शुरू करा, और पिछले साल यानी के 2022 से लग रहा है, अभी 2022 में अफगानिस्तान आजाद हुआ है, हाँ जी अभी हुआ है रिसेंटली, तो 21 के एंड में और 22 के शुरू में ही अफगानिस्तान आजाद हुआ, अमेरिका ने अपनी फौजें वापस बुला ली है, जो न्यू सदर आया है उसने। तो ये कहानी थी, ये छोटी छोटी कहानियां मैं आपको सुनाती जाऊंगी, इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट आएंगे बैनुल अक्वामी तालुकात के हवाले से कि बैनुल अक्वामी तालुकात पढ़ना क्यों जरूरी है। हो सकता है कि अफगानिस्तान का इशू आ जाए क्योंकि इसके अंदर कश्मीर भी सवाल आ सकता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में तो आता है, इसमें रशिया अफगानिस्तान की इन्वाइट है, कोल्ड वार है, इसके अंदर अमेरिका की सुपर पावर है, यूनी पावर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, ये बोहरान आ जाता है अफगानिस्तान का बोहरान, तो अफगानिस्तान के बोहरान में आप यही लिखेंगे अपनी वर्डिंग में। अच्छा खैर, 2 बाइपोलर थे, अमेरिका और रशिया था, रशिया पीछे हट गया तो अमेरिका एक रह गया, यूनिपोलर एक को कहते हैं, बाइपोलर 2 को कहते हैं, और मल्टीपोलर का लफ्ज आ जाएगा, मल्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कलर नजर आना, मल्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुपर पावर, इसमें जर्मनी, अफगानिस्तान, जर्मनी, चीन, रशिया, बर्तानिया, इसमें अमेरिका और इसमें एक और मुल्क है, मतलब काफी सारे मुल्कों के अब सुपर पावर्स हो गई हैं, तो ये सारी मल्टी पोलर सिस्टम है अब इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है अक्सर। अच्छा जी, अमेरिकी असरार से बैनुल अक्वामी रुझानात का इजाफा हुआ, सियासत का साइंसी अंदाजे फिक्र, मुफक्किरीन सियासत गुज़श्ता दहाइयों से इस बात की फिक्र में लगे रहते थे कि बुनियादी ताल्लुकात को ज्यादा जदीद और साइंसी अंदाज़े फिक्र से रोशनास कराया जा सके। अच्छा, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मज़मून बेहद वसी है, इसमें कुछ हदूद मुतय्यन करना भी जरूरी थी, इनकी थ्योरी में नई दिलचस्पी बात इस निशानदाही करती है कि बुनियादी ताल्लुकात एक मुनज़्ज़म मज़मून की तरह पेशकदमी है। जंगी तरीक़ेकार में तब्दीली, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का बुनियादी मकसद दुनिया में अमन अमान की कैफियत को बेहतर करना है, दौरे जदीद में तबाहकुन हथियार ईजाद हो चुके हैं और मजीद ईजाद किए जा रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी ने मजीद खतरनाक हथियारों की तैयारी में मामूनत की है, जदीद टेक्नोलॉजी ने जंगी
नौत तब्दील कर दिया और कौमों को इंसानियत के बका के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा मैं पूरे पूरे नहीं पढ़ती, ये बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल साइंस बहुत महदूद है। अच्छा जी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर अंदरूनी मसाइल, जाहिर बात पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल को डिस्कस किया जाता है, हुकूमत को किया जाता है, सियासी जमातों को किया जाता है, मुल्क के निजामों में है, तो रियासतों के माबेन जो ताल्लुकात है वो ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से वो रहनुमाई नहीं कर सकती थी, तो इसलिए अलग मजमून होना बेहद जरूरी था। बका की जंग, दोनों जदीद में हर रियासत को अपनी बका की जंग के लिए तैयार रहना पड़ता है, उसे दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसी, इंतजाम और माशी नुकतर से आगाही रखना जरूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ बैन अल-अक़वामी तालुकात की वजह से है। क्योंकि हम बैन अल-अक़वामी तालुकात को पढ़ते हैं तो हम किसी भी मुल्क के डीपली तालुकात को पढ़ सकते हैं कि शुरू कैसे हुआ था और आज तक क्या है। अब मैं, मुझे इतनी डिटेल पता है इस वजह से क्योंकि मैंने बैन अल-अक़वामी तालुकात में मास्टर्स किया हुआ है, तो इसलिए मुझे इतनी डिटेल पता है हर मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है, हर मुल्क के इस वक्त निजाम क्या चल रहा है, हर मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, मुल्क और पाकिस्तान के, अमेरिका और पाकिस्तान के तालुकात क्या है, पाकिस्तान और रशिया के क्या है, पाकिस्तान और तुर्की के क्या है, पाकिस्तान और चाइना के क्या है, ये सारा आईआर की बदौलत नॉलेज मिलता है। ठीक है, बैन अल-अक़वामी तालुकात। अच्छा ये हमारा खत्म हो गया है, बैन अल-अक़वामी तालुकात एक अलग मजमून की हैसियत से। सनअती इंकलाब है, ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट, सनअत इनकलाब में दुनिया के ममालिक को एक दूसरे के करीब कर दिया और बैन अल-अक़वामियत ने अंसर को मजीद तरक्की पकड़ ली है। सनअती खाम माल का उसूल, तैयार माल की सप्लाई बैन अल-अक़वामी तालुकात में अहमियत इख्तियार कर गई और बैन अल-अक़वामी तालुकात को एक अलग मजमून की हैसियत से उजागर कर दिया। ये 10 पॉइंट है एक अलग मजमून की हैसियत के। ठीक है, आपने ये 10 के 10 याद करने हैं कि एक अलग मजमून की हैसियत क्यों दी गई। और अगर सवाल आ जाता है, सवाल है, हम छोटे छोटे सवाल है, बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो एक सवाल आता है इसकी मुताले की वसत, इसकी अहमियत क्या है मुताले की। ठीक है, अब इन्होंने देखो कि एक अलग मजमून की हैसियत का तो मिल गई, अब इसकी वसत क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इससे ये बहुत ज्यादा बड़ा है, किस वजह से बड़ा है, इसमें कौन कौन से हमने टॉपिक, वसत का मतलब हो गया, ठीक है, स्कोप आ गया इसका, इसकी स्कोप स्टडी क्या है। 272 में उन्होंने सिर्फ आउटलाइन लिखी हुई है, इसकी एक्सप्लेनेशंस कहीं नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि जो जो मैं पढ़ाऊं और जो जो चीजें करें तो ये सारे अपनी तरफ से लिखने वाले हैं, क्योंकि हम पूरे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, पूरी बुक खत्म हो जाएगी, तो ये जो आप 25 अभी हम लाइनें पढ़ने लगे हैं, इन 25 को खुद बा खुद आप डिस्क्राइब कर सकोगी, इतनी काबिल हो जाओगी आप। नंबर एक पर लिखा हुआ है बैन अल-अक़वामी तालुकात की नौइयत, अहमियत और वसअत का अंदाजा लगाना। नंबर टू पर है बैन अल-अक़वामियत क्या है, उसकी हकीकत जानने की कोशिश करना। अच्छा ये सवाल है बैन अल-अक़वामियत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का भी, इंटरनेशनल लॉ का भी पहला सवाल है। अच्छा नंबर थ्री पर है बैन अल-अक़वामी तालुकात के हम असर माहौल का जायजा लेना। नंबर चार पर है बैन अल-अक़वामी तालुकात के मुताले के मसाइल से आगाही हासिल करना। नंबर जदीद सियासी निज़ाम का मुताला करना। नंबर छः पे है बैन अल-अक़वामी तालुकात के मुख्तलिफ नजरियात का जायजा लेना, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। नंबर सेवन है रिसानी नजरिया और तसव्वुर। नंबर एट है नजरिया तहफ्फुज़ का जायजा लेना। नंबर नाइन पर है नजरिया मुवासलात से आगाही। नंबर टेन पर है फैसला साजी के नजरिए को समझना। नंबर ग्यारह है नजरिया तसादुम और बारह पे है नजरिया ताकत। ये जो नजरिया ताकत है ना, इसको हाईलाइट कर ले, इसके अंदर भी नजरिया ताकत है। ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस का हमने ताकत और कौमी ताकत का नजरिया पढ़ा था, ये वो है। ठीक है, अच्छा नंबर 13 पर नजरिया तवाजुन ताकत, ये भी हमने इंट्रोडक्शन टू आईआर के पेपर में पढ़ा है, तवाजुन ताकत याद हो, तीसरा साल था मेरा ख्याल है, इसको भी हाईलाइट कर लें आप। नंबर 14 पर नजरिया कौमियत की तशरीह। नंबर 15 पर है इज्तमाई तहफ्फुज़ के असूलों का जायजा लें। इज्तमाई तहफ्फुज़ हमने पढ़ा हुआ है ना, कलेक्टिव सिक्योरिटी आई थिंक सो पढ़ा हुआ है। नंबर 16 है तकफीफ इस्लाह और तकफीफ अफवाज। नंबर 17 पर है जदीद सियासी निज़ाम रियाज से आगाही का मवाद। नंबर 18 पर है बैन अल-अक़वामी अमेहंगी और इतिहाद का फ़रोग़। नंबर 9 पर है डिप्लोमेसी के असूल। नंबर 20 पर है रियासतों के अंदरूनी और खारजा पॉलिसियाँ। नंबर 21 पर है बैन अल-अक़वामी इदारे और उनके ढांचे। 22 पर है बैन अल-अक़वामी कानून की अहमियत और उसके असूल। नंबर 23 पर है बैन अल-अक़वामी तालुकात में मईशत का किरदार। नंबर 24 पर नजरियात और सरकारी बैन अल-अक़वामियत। और 25 बहर रियासतों की सियासी मुआशी मशरती और सकाफती सरगर्मियों का जायजा लेना या मुताला करना। ये सब चीजें होती हैं
सिर्फ और सिर्फ बैन अलावामी तालुकात का सब्जेक्ट पढ़ने की वजह से, ठीक है, हम ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं डिटेल के साथ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, इसकी एग्जाम पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी सरगोधा यूनिवर्सिटी में नहीं है। अब ये एक सवाल जो आगे लिखा हुआ है बैन अलावामी तालुकात की नौयत, ये आपके सरगोधा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, तो आप इसको हाईलाइट कर लें, ये पढ़ेंगे हम। अब आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा बेसिक्स। रियासतों के दरमियान तनाजात के हल के लिए मुख्तलिफ सतहों पर रियासत एक दूसरे के साथ तालुकात इस्तवार करती है। बैन अलावामी तालुकात की इकसाम और नौयत हस्बे ज़ील है। नंबर एक पर सियासी तालुकात कायम होते हैं, नंबर दो पर सियासी समाजी तालुकात होते हैं और माशी तालुकात होते हैं। यानी कि जो भी तालुकात कायम होंगे वो किस बेस की बुनियाद पर होंगे, वो इस बेस की बुनियाद पर होंगे कि इसके अंदर तीन तरह की नौयत होगी, उसकी वजह से ये हमारे तालुकात कायम होते हैं। एक सियासी तालुकात, रियासतें बाहमी तालुकात की इस्तवारी और तस्फियों। अच्छा, जो हमारा झगड़े होते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं, जो लड़ाई होती है, वो तो हम सिंपल उसमें कहते हुए हैं प्रॉब्लम्स कह रहे होते हैं, लेकिन ये आईआर में इस लफ्ज को, प्रॉब्लम्स को, मसले को तस्फिया कहते हैं। तस्फिया के लिए सफारतकार का मुतय्यन किया जाता है। सफारतकार वो होते हैं जो सफीर होते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के, जिसको हम पर कहते हैं हमारा महमूद कुरैशी था आई थिंक, और ये जो सफीर होते हैं इनको सफारतकारी कह रहे हैं, डिप्लोमेसी को कह रहे हैं इंग्लिश में। दौरे जदीद में जिद्दत के साथ कई ममालिक ने दूसरे ममालिक में अपने कौंसल खाना और सफारत खाना खोल लिए। कौंसल खाना कहते हैं इसको, एम्बेसी को इंग्लिश में, ठीक है, ये एम्बेसी खोल लिए हमारे पाकिस्तान के एम्बेसी, जिसके साथ ताल्लुक आते हैं उस ममालिक में हमारे पाकिस्तान के एम्बेसीज है। इसी तरह हमारे मुल्क में भी इंडिया के भी है, चाइना की भी है, बरतानिया के भी है, ब्रिटिश कौंसल की, अमेरिका के भी है, यानी कि सारी है जो जो जिनके साथ हैं, ठीक है। ये इदारे ममालिक के कौमी मफाद की हिफाजत करते हैं। बैन अलावामी अदालत इंसाफ सलामती नौयत पढ़ रही हूँ मैं, ये देख रही थी मेरा ये पॉइंट था। अच्छा, सलामती कौंसल और बाहमी इदारे मसलन सार्क, आसियान वगैरह जैसी तंजीमों ने सियासी तालुकात को वसअत दी है। समाजी तालुकात, इंसान के सियासी समाजी हैसियत रियासत हुकूमतों में मुनक्सम होकर इंसान की तर्ज माशियत, सकाफत और जोग्राफी रंग अमेजी जैसे बड़े बड़े तजादात का मौजिब बनती है, लेकिन वो बुनियादी फितरत दोस्ती तामुन के लिए अंदर पाई जाती है जो मौजूद है। यानी कि सिंपल सा ये है कि दोस्ती है लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर, दूसरे ममालिक से लोग आपस में दोस्ती करते हैं और एक दूसरे की जो सकाफत है उसका तबादला करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एहसास, भाईचारा, मोहब्बत, एहसास और ताउन का जज्बा पाया जाता है, जिसके बदौलत आपस में इंसान एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक कायम कर लेते हैं। इन तमाम ताल्लुकात की वजह से बैन अलावामी ताल्लुकात को वसअत हुई है और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कायम होते हैं, ये सिंपल। मुआशी ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात में भी हमारा कारोबार लिखेंगे जो हम तजारत करते हैं। साइंसी तरक्की ने जरूरत जिंदगी के असूल के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में गैर तरक्की याफ्ता रियासतों को अपने अवाम के अंदर जिंदगी के बेहतर तामीर के लिए तरक्याती मनसूबाबंदी में दूसरे तामुन और इतिहाद की जरूरत होती है। अच्छा, इसकी मिसालें हैं बैन अलावामी मालियाती फंड IMF, IMF पढ़ा है ना, जिससे हम पैसे लेते हैं। आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक इंग्लिश में, एशियाई बैंक रियासतों को, एशियाई बैंक एशियंस बैंक रियासतों को बाहमी तौर पर मईशत में इस्तेकाम के लिए इमदाद फ्राहम करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे तीन पॉइंट जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात कायम होते हैं। अच्छा जी, अवामिल, अच्छा जी हमारा ये ना क्लोज हो गया है, ठीक है। हमने आप सवाल नोट कर लें क्योंकि जो हमने पढ़ा इस किताब के ऊपर ही लिख लो। आज हमने क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, बैन अलावामी तालुकात क्या है, बैन अलावामी तालुकात की एक अलग मजमून की हैसियत, ये सवाल आज हमने किया है। दूसरे नंबर पे किया है हमने बैन अलावामी तालुकात की वसअत लिखे, ठीक है। वसअत और नौयत कभी कभी एक साथ सवाल हो जाता है और कभी कभी अलग आता है, ठीक है। बैन अलावामी तालुकात की वसअत और हमने फिर उसकी नौयत की है, ये दो सवाल अभी हमने किए हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद इसके कुछ थ्योरी स्टार्ट हो रही है, वो हम कल करेंगे। दो थ्योरीज हैं, दो पेज नंबर देख लो, 278 पर है। मिसालियत पसंदी आइडियलिज्म इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरी इसकी रियलिस्टिक है जिसको पसंद कहते हैं। ये हमारी जो पेज नंबर क्या नाम 278 है, 278 पर जो ये पेज पे है बैनुल अक्वामी तालुकात की थ्योरीज हैं दो, दोनों में से एक सवाल लाजमन आता है, उसके खदो खाल आते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स आती हैं, या तो आइडियलिस्टिक की आ जाएंगी या रियलिस्टिक की आ जाएंगी, दोनों में से एक सवाल हर हाल में पेपर में आता है। तो ये दोनों को समझना कल बेहद जरूरी है। हम आइडियलिज्म भी करेंगे कल और रियलिस्टिक भी करेंगे कि इनकी जो नुमाया खदो खाल है वो कौन कौन सी है, इसके जो मकतबा फिक्र के सोचने वाले जो माहरीन है वो कौन कौन है, और इन पर अगर तनकीद होती है तो कौन सी होती है। ये दो सवाल हमने किए हैं, दो सवाल हम कल करेंगे, ठीक है। चलें जी, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो व्हाट्सअप करें। मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको समझ लेंगे शुरू के तो आगे आसानी होगी, तो इसलिए इसको पढ़ें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।